ये हैं लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान। इनकी और बंधु तिर्की के बातचीत का वीडियो काफी वायरल हुआ और वो वीडियो क्या था आप खुद सुनिए। मतलब एक सेंसिटिव मामला है वहाँ। हाँ, क्या मतलब? तो आसपास जो है मुसलमान का इलाका है। अच्छा। बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है। दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष का आदमी अगर इतना विजिट करेगा नाराजगी होगा ना भाई। इसका मतलब है कि नहीं 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 मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है, कोई प्रशासनिक चुक तो नहीं हुआ है तो आप लोग इतना आ रहे हैं वहाँ पे झूठ मूठ का। ऐसा मतलब है कि आप लोग जो है दोनों रवैया रखते हैं। ऐसा है ना डीसी साहब, आई एम बंधु तिर्की, सी आई एम नॉट अनदर। नो 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 नहीं 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 आपको मुसलमान ही तो जिताता है। आप नहीं 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 आप कौन जिताता है ये आपको बोलना उलने का बात, हम वो सब बेकार बात मत बोलिए ना। हम ट्राइबल का ही में है, हम आसाम तक जाते हैं तो मालूम का क्या बात है। ठीक है, इसलिए ये बेकार की बात नहीं, जो जो काम है उसको करिए, बाकी उस सब चीज को क्या करना नहीं करना दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोन पर बात कर रहे व्यक्ति का नाम बंधु तिर्की है जो झारखंड के मांडर विधानसभा के विधायक हैं, और इनके सामने जो फोन पर बात कर रहा है उनका नाम अबू इमरान है जो लातेहार के उपायुक्त हैं। आप उनके इस वायरल वीडियो से उनकी सोच को आसानी से समझ सकते हैं। लातेहार में कर्मा पूजा के दौरान एक पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 7 जनजातीय बच्चों की मौत हो गई थी। इन बच्चियों की मौत के बाद पूरे झारखंड के लोग आक्रोशित थे, इसे लेकर जांच की मांग उठने लगी। इन्हीं बातों को देखते हुए लातेहार के उपायुक्त ने बंधु तिर्की से ऐसी बातें कह दी जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। अब इसे लेकर राज्य में चारों ओर उनकी आलोचना हो रही है। इसी बात पर झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी क्या कहा आप खुद सुनिए। कर्मा के समय जो बच्चे रोक करके लोग मर गए थे, और सबको पता है उस समय डीसी और बंधु तिर्की में बात हो रही थी। हम भी डीसी है, क्या कहते हैं डीसी, हम भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है, आप भी अल्पसंख्यक है, हम तो काम करते ही हैं, यानी वो दूसरों का काम नहीं करते, माइनॉरिटी मुसलमान का काम करते हैं। तो ये बिल्कुल उनकी जुबान से जो आवाज निकल रहा था बिल्कुल सच था। ये तो पता नहीं था, उनसे बात कर रहे थे, वहां रिकॉर्ड हो रहा था, जो कि प्रेस वाले लोग बैठे हुए थे। अगर ऐसी ऐसी पदाधिकारी जिला में पदस्थापित रहेंगे तो फिर कभी भी दूसरे के आम लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। इस घटना के बाद पांचजन की टीम की ओर से पड़ताल की गई तो पता चला कि जो गड्ढे खोदे गए थे वह गड्ढे रेलवे के लिए खोदे गए थे, और वह पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ मुसलमान ठेकेदारों ने खोदा था, और इसके बाद उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि वह गड्ढे बंद कर दिए जाएं। इसी की जांच को लेकर डीसी अबू इमरान कतरा रहे थे, और कांग्रेस के विधायकों को यह भी कह दिया कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ सभी मुसलमान हैं और मुसलमान आप लोगों के आने से आक्रोशित हैं। इस बात को लेकर पांचजन के प्रतिनिधि ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से भी बात की, उन्होंने क्या कहा आप खुद सुने। पांचजन में एक आर्टिकल छपी जिसमें अबू इमरान, इसके पहले भी कई जगहों पर वो सेवा दे चुके हैं आपके कार्यकाल में भी, और कई आरोप भी उन पर लगते रहे हैं। इस बार उन पर मजहबी छाप के आरोप लग रहे हैं, और कई चीज़ों पे अगर उनके जो कार्यकाल हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो भी सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर तुष्टिकरण में सहयोग कर रहे हैं। पिछले इसके पहले भी बंधु तिर्की के मामले में उनका ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उनका कहना था कि वो ना जाएं ताकि उनको परेशानी हो। सर, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एक आईएएस ऑफिसर जो पूरे देश के संविधान का शपथ खाता है और सबकी बात करता है, आज सिर्फ एक समाज एक धर्म की बात कर रहा है, ये कैसे? देखिए, सरकार हो चाहे प्रशासन हो, सरकार सबके लिए होती है। कोई एक दल, कोई एक वर्ग, एक संप्रदाय की सरकार नहीं होती है। सरकार होती है 3.25 करोड़ जनता की। इसी तरह प्रशासन का भी, प्रशासन सभी वर्ग के लिए, सभी समाज के लिए, सभी संप्रदाय के लिए। अगर कोई अधिकारी
जो बातें लातेहार डीसी के संदर्भ में, जिस तरह माननीय विधायक जी को लातेहार के जिलों में जाने से रोका और जिस भाषा का प्रयोग एक जिलाधीश को कि मुसलमान गांव है, हम तो देख ही रहे हैं, आपको वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बातें कहीं भी कहीं सी तरह भी ये संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक। एक है जिला के जिलाधीश को इस तरह की एक संप्रदाय सोच के तहत काम करने की, ये भी सूचना आ रही है कि बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है किसी एक संप्रदाय के क्षेत्र में ही सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जिस जिले में उत्खनन होता है उस क्षेत्र के आसपास के गांव में उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए। शासन को किसी के साथ भेदभाव नहीं करने चाहिए। उसी तरह कोई एनजीओ है, कोई हक साहब का, उस हक साहब को भी वहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा फीडबैक आ रही है, उसमें सच्चाई कहाँ तक सही है कि काफ़ी लाखों रुपये उसको शिक्षण संस्थान के नाम पर उनको दे दिया गया। तो ये सारे विषय जांच का विषय है। मैं राज्य के मुख्य सचिव से ये मांग करते हूँ कि जो लातेहार डीसी के ऊपर तरह तरह के आरोप वहाँ के लोग के द्वारा लगाई जा रही है, उन तथ्यों की जांच अविलंब सरकार करे और प्रशासन को भी आदेश दे कि शासन किसी एक संप्रदाय, किसी एक दल की नहीं, शासन सबों के लिए है, ये संविधान हमारा भारत का संविधान कहता है। और इस तरह के कोई अधिकारी इस तरह के काम, पक्षपातपूर्ण काम करते हैं कि समाज के कोई वर्ग किसी संप्रदाय के साथ, तो ऐसे पदाधिकारी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और वैसे पदाधिकारी को फील्ड में ना भेजा जाए, नहीं तो कभी हो सकता है जो झारखंड में सांप्रदायिक तनाव भी उत्पन्न हो सकते हैं ऐसी स्थिति से। तो सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण बना रहे, भाईचारा बना रहे, इस दृष्टिकोण से भी सरकार को सचेत रहने की ज़रूरत है। ये थे हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवरदास जी, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और पहले भी इनके कार्यकाल में कई ऐसे काम हुए जो जब से झारखंड बना तब से वो काम नहीं हुए थे, और इनके कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए।